Hello everyone, how are you all? I hope you're doing good and fine. So today we are going to study about the cells of porifera. As you can see here, right? We are studying about the cells of porifera. अब आप इमेजिन करें कि आपको कुछ भी नहीं मालूम है सेल्स ऑफ पॉरीफेरा कितने हैं, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम है आपको, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे बोले तो, पहले तो मैं आपको कैसे याद दिला रही हूँ. देखिए, देर इज अ वेरी वंडरफुल टेक्निक, लेट्स गो हियर. ओके, इन सेल्स ऑफ पॉरीफेरा. अच्छा, आप ये बोलिए दुनिया में अजूबे कितने हैं? देर आर सेवन वंडर्स इन द वर्ल्ड, राइट? देखिए, सात है, सेवन वंडर्स है, यस और नो? तो उसमें सेल्स भी कितने हैं पॉलीफेरा के? सेवन है बोल के बोल अपन. कितने हैं? सेवन. सेवन सेल्स है पॉलीफेरा के बोल अपन, ठीक है? सो वी आर हैविंग सेवन सेल्स ऑफ द पॉलीफेरा. ओके, नेक्स्ट. अब देखिए, अब इसमें क्या है सेवन सेल्स में, देखो ये आपको याद रख लो. ए पी सी एम जी ए पी, ठीक है? ए पी आंध्र प्रदेश ऐसा याद कर लो. ए पी, फिर सी, सी अलग से याद करो, फिर एम जी एक साथ याद करो, फिर ए पी एक साथ याद करो. ए पी सी एम जी ए पी, ठीक है? ठीक है. अब ए से क्या था? ए से क्या था? आर्कियोसाइट्स आता. पी से पिनाकोसाइट्स आता. सी से क्या था? क्वाइनोसाइट्स आता. एम से मायोसाइट्स आता. जी से ग्लैंडुलर सेल्स आएंगे. ए से फिर अमीबॉइड सेल्स आएंगे. फिर पी से पोरोसाइट सेल्स आएंगे. आई बात समझ में? ठीक है, तो अपन पहले क्या ले रहे हैं? फर्स्ट ए से ले रहे हैं. ए फॉर एप्पल जैसा पढ़ते हैं अपन. ए से आर्कियोसाइट सेल्स बोल के अपन पढ़ ले रहे हैं, ठीक है? फाइन. अब देखिए, आप इमेजिन करिए कि आपको ऑलवेज हमेशा टीचर क्या बोल के पढ़ाते हैं? ए फॉर एप्पल बोल के पढ़ाते हैं ना. तो ए फॉर अपन ए ले रहे हैं. क्या ले रहे हैं? ए ले रहे हैं. ऐसे आर्कियोसाइट सेल्स है. अब इसके अपन फीचर्स भी एप्पल्स से मैच करके पढ़ेंगे ताकि आप कभी ना भूले, एग्जाम में भी ना भूले, ठीक है? अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा एग्जाम में आर्कियोसाइट सेल्स में क्या लिखना था बोले तो ए फॉर एप्पल इमेजिन कर लो आप, ठीक है? इमेजिन करिए एप्पल, ठीक है? रेड कलर का एप्पल है और उसको ब्राउन कलर की एक स्टिक लगी हुई है छोटी सी, और अपन छोटी सी स्टिक को क्या बोले? फ्लैजिला बोल के बोले, ठीक है? फ्लैजिला प्रेजेंट है बोल के बोले. आज बात समझ में, ठीक है? फ्लैजिला बोल के बोले अपन. और उसके जो बीच में जो सीज है उसको अपन गेम्यूल्स बोल के बोल रहे हैं, और एक एक जो है उसको लार्ज न्यूक्लियस बोल के बोल रहे अपन, ठीक है? अगर ये तीन चीज़ें याद हो गए तो पूरा आपको ये इसके पॉइंट्स याद हो जाते. आज बात समझ में? अच्छा, मेरे को ये बोलिए कि एप्पल क्या है? क्या है एप्पल? एप्पल एक फूड है ना? तो अपन फूड को अपन अपने पेट में ट्रांसफर करें, है ना? तो उसको ट्रांसपोर्ट करें, तो इट हेल्प इन द फूड ट्रांसपोर्टेशन. और अच्छा, अपन ट्रांसपोर्ट कर दी फूड को, मतलब एप्पल को अपन ट्रांसपोर्ट कर दी स्टमक में, तो उन क्या होगा स्टमक में? ऑफकोर्स डाइजेशन होगा. तो ये आर्कियोसाइट सेल्स क्या करते हैं अपने को? इट हेल्प इन फूड ट्रांसपोर्टेशन. क्या लिखेंगे अपन? फूड ट्रांसपोर्टेशन बोल के लिख रहे हैं. फूड ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्ट तो हो गया स्टमक में, और क्या होगा? डाइजेशन में हेल्प करेंगे. क्या करेंगे? डाइजेशन में हेल्प करेंगे बोल के बोल रहे, ठीक है? इट हेल्प इन द फूड ट्रांसपोर्टेशन एंड डाइजेशन. नाउ नेक्स्ट वन. अब आपको क्या दिख रहा? क्या आपको यहाँ पे फ्लैजिला दिख रहा? जैसे मैं बोली स्मॉल फ्लैजिला, ये स्मॉल फ्लैजिला है और न्यूक्लियस है बोल के बोल रहे हैं अपन, है ना? इट हैज अ लार्ज न्यूक्लियस और स्मॉल फ्लैजिला और फूड है, तो उसमें जो भी जगह होंगी उसको अपन क्या बोल रहे हैं? फूड वैक्यूल बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? फूड वैक्यूल. तो अपन ये तीन चीज़ों को एक साथ लिख रहे हैं. देखो लाइन में क्या बोल के लिख रहे हैं अपन? इट हैज अ लार्ज न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस बहुत लार्ज है बोल के बोल रहे हैं. इट हैज अ लार्ज न्यूक्लियस. फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल है क्योंकि फूड की जो भी जगह रहेंगे अपन उसको क्या बोल रहे हैं? फूड वैक्यूल बोल के बोल रहे हैं, ठीक है? फूड वैक्यूल एंड फ्लैजिला क्या स्मॉल है ना? स्मॉल फ्लैजिला बोल के बोल रहे हैं. यहाँ लिख देती हूँ मैं स्मॉल फ्लैजिला, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका? गेम्यूल्स की बात हो रही है. आपको अच्छे से मालूम है गेम्यूल्स कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेम्यूल्स यूज होते हैं, ये सुनो. तो सीड जो है, सीड्स का काम क्या था? जब एक प्लांट आ गया तो दूसरा प्लांट कैसा था? सीड्स ही वैसे चाहता था. तो अपन इसको क्या बोलेंगे? टोटिपोटेंट सेल्स बोलेंगे, ठीक है? इसको अपन क्या बोलेंगे? टोटिपोटेंट बोल के बोलेंगे. दे आर टोटिपोटेंट सेल्स बिकॉज बी सी जेड लिखूं बिकॉज गिव राइज टू स्पर्म एंड ओवम, ठीक है? अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फाइन होगा? गेम्यूल्स फाइन होंगे, ये सुनो. जो सीड्स है उसके गेम्यूल्स ही फॉर्म होंगे, राइट? इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेम्यूल्स आर फॉर्म. क्या फॉर्म हो रहे हैं? गेम्यूल्स. आगे बात समझ में? अब अपना क्विक रिवीजन करेंगे अपने को. पहले अपने को कुछ भी नहीं मालूम आर्कियोसाइट्स के बारे में, अपन आर्कियोसाइट्स लिख लिए क्योंकि सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आर्कियोसाइट्स से आर्कियोसाइट्स लिख लिए. अपने को कुछ भी नहीं याद आ रहा तो अपन ए देख रहे हैं, अपन ए से अपने को एप्पल याद आ रहा है रेड कलर का, और उसमें एक जो है ब्राउन कलर की छोटी सी जो है स्टिक लगी हुई है, तो अपन उस स्टिक को क्या बोल रहे हैं? फ्लैजिला बोल रहे हैं. और उसके जो अंदर के सीड्स है उसको अपन न्यूक्लियस बोल रहे हैं, और एक को गेम्यूल बोल रहे हैं, और उसके अंदर का जो भी खाली स्पेस रहेगा, जो भी स्पेस रहेगा उसको अपन वैक्यूल बोल रहे हैं, ठीक है? तो अपन पहली बात, अपन फूड को खाते, मतलब एप्पल है फूड, और अपन फूड को ट्रांसपोर्ट स्टमक में करते हैं, तो इन हेल्प इन फूड ट्रांसपोर्टेशन. और स्टमक में जब से डाइजेस्ट करते हैं अपन इसको, ठीक है? तो डाइजेस्ट करते तो डाइजेशन में काम करता बोल के बोले. फिर अपने को जो जो दिख रहा है वो लिख देना है. अपने पास क्या लार्ज न्यूक्लियस है ना, फूड वैक्यूल है ना? फिर उसके बाद अपने को क्या है? लार्ज न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल एंड स्मॉल फ्लैजिला बोल के दिख रहा है आपको, ये है बोल के बोले, ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए, आपको ये सेल्स से अपने को दो पॉइंट्स निकालना है. एक तो इन लोगों टोटिपोटेंट सेल्स बोल के बोले, वेरी इंपॉर्टेंट. टोटिपोटेंट सेल्स मतलब दूसरों को राइज करने वाले वो सेल्स, बिकॉज दे गिव राइज टू स्पर्म एंड ओवम, है ना? अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो गेम्यूल्स, इन एसेक्सुअल गेम्यूल्स आर फॉर्म्ड बोल के बोले. क्या गेम्यूल्स आर फॉर्म्ड? आज बात समझ इतना तो आ गया होगा आपको, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, अपन जाएंगे सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में पढ़े. ए पी सी एम जी ए पी, है ना?
तो अपन ए तो पढ़ लिया आर्क्योसाइट सेल्स से बोल के, अब अपन जाएंगे पी पे, पी मतलब पिनाकोसाइट सेल्स। आ रही बात समझ में? ठीक है, देखिए पिनाकोसाइट सेल्स में क्या लिखेंगे अपन, मेरे को तो पाइन पिनाकोसाइट जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे को एक ही चीज़ याद आई थी, वो है पाइन एपल, जो आप देख सक रहे फिगर में, यू कैन सी राइट पिनाकोसाइट्स बोल के बराबर। इसके सिर्फ दो पॉइंट्स लिखना, इसके देखिए चार पॉइंट्स थे, देयर वाज फोर पॉइंट्स इन दिस। ठीक है, अब इसमें सिर्फ टू पॉइंट्स थे पिनाकोसाइट्स। अब इसमें क्या क्या बोल रहे हैं अपन, पहले तो आप इमेजिन करिए जो पाइन एपल आप खाते स्पेशली एट द टाइम ऑफ इफ्तार एंड ऑल, जो कट करते पाइन एपल बहुत लार्ज है थे, वो सेल्स मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है थी राइट, मतलब बड़े बड़े है थे उसके स्लाइसेस, लार्ज है थे और जो है नहीं फ्लैट रहेंगे, ऑफकोर्स फ्लैट कट करते उसको फ्लैट और लार्ज रहेंगे और उसके अंदर सेंट्रल न्यूक्लियस था बोल के बोला अपन, ऐसा याद रख लीजिए। ठीक है, दे आर लार्ज फ्लैट एंड इट हैज़ अ सेंट्रल न्यूक्लियस, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आप लोगों का। फिर नेक्स्ट, आप इन लोगों की स्किन देखिए कैसी रहती, एकदम खुरूद मतलब रफ है थी राइट, दे फॉर्म इन द लाइनिंग ऑफ द स्पॉन्जो सील बॉडी वॉल, तो इन लोगों कहाँ पर रहते हैं लाइनिंग ऑफ द स्पॉन्जो सील बॉडी वॉल एंड इनकरेंट कैनाल्स बोलते बोले, इन लोगों कहाँ पर रहेंगे स्पॉन्जो सील बॉडी वॉल एंड इनकरेंट कैनाल्स। तो अपन पिनाकोसाइट्स को लार्ज एंड फ्लैट सेल्स पढ़ ले, फिर इन लोगों लाइनिंग ऑफ द स्पॉन्जो सील बॉडी वॉल में रहते और इनकरेंट कैनाल्स में रहते बोलते बोले, दो अपने को समझ में आ गया। और इसका डायग्राम ये बताना है आपको एग्जाम में, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो फर्स्ट वाला क्या है, दे आर लार्ज एंड फ्लैट, दे आर लार्ज एंड फ्लैट, इन लोगों कैसे लार्ज एंड फ्लैट सेल्स है बल्कि बोले विथ सेंट्रल न्यूक्लियस, है ना, सेंट्रल न्यूक्लियस है तो नहीं था, यस दे आर लार्ज एंड फ्लैट सेल्स विथ सेंट्रल न्यूक्लियस बल्कि बोले। ठीक है, फिर उसके बाद इन लोगों की स्किन को इमेजिन करिए पाइन एपल की कैसी रहती, दे फॉर्म द लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जो सील बॉडी वॉल, एंड इनकरेंट कैनाल्स बोलते बोले, क्या बोले इनकरेंट। ठीक है, ये दो समझ में आ गए आपको, चलो वेरी गुड। अब अपन देखो सेवन वंडर्स में से ए पढ़ लिए, पी पढ़ लिए, ए से आर्कियोसाइट्स पढ़ लिए, पी से पिनाकोसाइट्स पढ़ लिए, एप्पल का भी देख लिया अपन और जो है ना पाइन एप्पल का भी देख लिया, लाइनिंग ऑफ द स्पॉन्जो सील बॉडी वॉल एंड इनकरेंट कैनाल्स भी पढ़ लिए पिनाकोसाइट्स में, और इनके लार्ज फ्लैट सेल्स और सेंट्रल न्यूक्लियस था बोल के पिनाकोसाइट्स में भी पढ़ लिए। फिर आर्कियोसाइट्स में ये भी पढ़ लिए कि उसमें जो है फ्लैजिलम है था और सेंट्रल न्यूक्लियस था बोल के पढ़े अपन, वैक्यूल था बोल के पढ़े, फिर जो है नहीं वो एप्पल है तो इसलिए फूड ट्रांसपोर्टेशन और डाइजेशन दोनों एक साथ हो जाएंगे। फिर उसके बाद सीड्स को देखा तो हमने को दो याद आ रहे हैं, वो तो एक टोटिपोटेंशियल विच गिव राइज टू स्पर्म एंड ओवम और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेम यूज फॉर्म होते बोल के, आगे बात सिंपल सी। अब सी में जाएंगे, सी से क्या था, क्वाइनोसाइट सेल्स था, क्वानोसाइट सेल्स। अब देखो क्वानोसाइट सेल्स का थोड़ा मैटर बड़ा है और इसलिए इसको मैं किसी से इमेजिन भी नहीं कर सकती, ना एप्पल ना पाइन एप्पल, तो अपन डायरेक्ट इसका एक फिगर लेके अपन पढ़ेंगे। ठीक है, क्वानोसाइट सेल्स, कैन यू सी द डायग्राम, थोड़ा सा इसको अपन जूम इन कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, एक क्वानोसाइट सेल है। ठीक है, तो क्वानोसाइट सेल्स में क्या है, कॉलर है बल्कि बोले अपन, ठीक है, फ्लैजिला है बल्कि बोले, बेस और ग्रैन्यूल, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वगैरह, फूड वगैरह, आई बात समझ में। तो अब अपन क्या करेंगे बोले, तो ये पॉइंट्स को अपन इतना तमीज से जमा के लिखेंगे, पूछना होगा एग्जामिनर खुश हो जाना। सो दे आर ऑल्सो क्वानोसाइट इज ऑल्सो नोन एज कॉलर सेल्स, पहला पॉइंट। दूसरा, दे हैव वेल डेवलप्ड फ्लैजिलम, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, दे हैव न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल, तीसरा पॉइंट। फिर चौथा पॉइंट, इट हैज अ माइक्रो, क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, इन लोगों के पास माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स रहते बोलते बोले अपन। ठीक है, अब ये पॉइंट्स को आप जो यहाँ पे देख रहे हैं इसको अपन लिख देंगे। ठीक है, क्या है बोलो, क्वानोसाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, आप ही बोलो, क्वानोसाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलर सेल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलर सेल्स, आई बात समझ में। फिर इट हैज वेल डेवलप्ड फ्लैजिलम, इन लोगों के पास वेल डेवलप क्या है, इट हैज़ अ वेल डेवलप फ्लैजिलम बोल के बोले अपन, क्या बोले, इट हैज़ वेल डेवलप फ्लैजिलम। अब इन लोगों के पास क्या क्या है, देखो यहाँ पे आप, न्यूक्लियस रहेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रहेगा, है ना, इट हैज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस रहेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रहेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल बोल के रहेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट, इट हैज ऑल्सो राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इन लोगों के पास क्या है, इट हैज माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट, और क्या रहेगा, राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स, आगे समझ में, इज ऑल्सो नोन एज कॉलर सेल्स, इट हैज वेल डेवलप्ड फ्लैजिलम, अरे बेसल ग्रैनुल लिखना भूल गया अपन, इट हैज न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड बेसल ग्रैनुल लिख देंगे अपन। ठीक है, एंड बेसल ग्रैनुल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल। ठीक है, आगे बात समझ में, क्वानोसाइट्स हो गया, तो ये देखो सेवन वंडर्स में से ए हो गया, पी हो गया, सी, क्वानोसाइट्स का भी अपन ये देख लेना, पूरा कॉलर से फ्लैजिलम, बेसल ग्रैनुल, न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो चुका है अपना। ठीक है,